दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप भी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत आती है और क्रॉस का निशान आता है, नेटवर्क और कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो आज बताऊंगा कैसे आपको अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर टेक में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है विंडो में, और विंडो में आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, और जैसे आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो आपको यहां पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे देख सकते हैं कि तीन ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, तो यहां पे आपको इंटरनेट ऑप्शंस को क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, लेकिन आपको एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको रीसेट कर देंगे। जैसे आप इसको रीसेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक पेज नया खुल के आएगा, और यहाँ पे आपको टिकिंग कर लेना है डिलीट पर्सनल सेटिंग्स, तो इसको आपको टिक कर लेना है और रीसेट कर लेना है। जैसे ये रीसेट हो जाएगा क्लोज कर लेना है। दोबारा से आपको दोबारा वहीं जाना है इंटरनेट ऑप्शंस में, और यहाँ पे आपको कनेक्शन में जाना है। जैसे आप कनेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लैन सेटिंग मिलेगी, और लैन सेटिंग में आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर टिक मार्क नहीं तो टिक कर देंगे, और यहाँ पे आप इसको ओके कर लेना है। और जैसे आप इसको ओके कर लेंगे फिर दोबारा ओके करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इतनी सेटिंग कर ली है। अब आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ी छोटी सी सेटिंग कर लेनी है, चेंज यहाँ पे एडाप्टर सेटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आपका नेटवर्क मिलेगा, तो आप यहाँ से जो है पहले अपने नेटवर्क को रिमूव कर लेंगे। यहाँ से आपको डिसेबल कर लेना है इस तरीके से, और डिसेबल जब हो जाएगा इस तरीके से, तो उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे डिसेबल करने के बाद आप देख सकते हैं दोबारा से आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और मैं इसको भी डिसेबल करने की कोशिश कर लेता हूँ। डिसेबल मैंने ये भी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो नेटवर्क नीचे आ चुका है, आपका सक्सेसफुली जो है ये सेटअप हो चुका है। इस तरीके से आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप डेल का फोन जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या कि कोई बहुत सारे लैपटॉप ऐसा होता है जिसमें एक बटन होता है साइड में, अगर आपने वो बंद कर दिया तो उसको ज़रूर चेक कर लें कहीं वो बंद तो नहीं है, आपका नेटवर्क चल जाएगा। तो ये था वीडियो आपके लिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।